कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे जिसमें आज शुगर यानी चीनी के बारे में, बात करेंगे कुछ मंडियों में कुछ मिलों में चीनी की आज की कीमतों के बारे में, देखेंगे किस तरह का कारोबार और ट्रेंड बाजारों में आज के दिन चल रहा है। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चीनी के बारे में अगर बात करते हैं तो उत्तर भारत की प्रमुख थोक बाजारों में चल रहे मानसून के मौसम के बीच कमजोर डिमांड की वजह से चीनी के एक्स मिले की कीमतों में आज गिरावट देखी गई है। गिरावट आने के बाद सबसे पहले अब बात करते हैं कीमतों के बारे में। तो महाराष्ट्र में कृष्णा मिल में चीनी के स्मॉल लेवल का रेट 3,240 रुपए है। प्रसाद मिल का रेट स्मॉल लेवल का 3,255 रुपए बाजारों में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करी जाए तो बलरामपुर में मीडियम लेवल की कीमतें 3,520 रुपए हैं और अकबरपुर में मीडियम लेवल का रेट 3,550 रुपए बाजारों में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं, रामदेव मिल में चीनी के मीडियम लेवल का जो रेट है वो 3,460 रुपए है और स्मॉल लेवल की कीमतें 3,400 रुपए देखी गई हैं। नर्मदा मिल के बारे में अगर बात करी जाए, मीडियम लेवल का रेट नर्मदा मिल में 3,465 रुपए है और स्मॉल लेवल की कीमतें 3,405 रुपए बाजारों में हम लोग देख कर चल सकते हैं। तो अधिकतर जगह पर मानसून की वजह से डिमांड बाजारों में कमजोर है, जिसकी वजह से गिरावट बनी हुई है और कुछ मिलों पर बिकवाली का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन क्रय शक्ति अपेक्षाकृत कम देखी जा रही है। और सप्लाई और डिमांड के बीच समानता की वजह से महाराष्ट्र की कीमतें बाजारों में स्थिर देखी गई हैं और फिलहाल जो बाजार है वो इस वक्त सीमित दायरे में कामकाज करने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी आपको एक रेंज बाउंड दायरे पर कामकाज बाजारों में देखने को मिल सकता है। इसी वजह से आप जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करके चलिए। लॉन्ग टर्म के लिए बाजारों में खरीदारी करने के लिए सही टाइम नहीं है, क्योंकि मानसून है तो मानसून की वजह से बाजारों में मांग और कीमतों में कमी देखी जा रही है। ओवरऑल ट्रेंड के बारे में बात करते हैं तो बाजारों में जो आउटलुक है वो फिलहाल के लिए स्टेबल है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।